कल मुंबई एयरपोर्ट पे एक जहाज गिर गया रात में, आग लग गया तो बच बुझा दिया, एयरपोर्ट भी गिर गया। वहां पे प्रेशर इतना तेज था, मौसम खराब था, छोटा प्लेन था, प्राइवेट जेट था, उतर रहा धाम से गिर गया, इस समय यहाँ पे पलट गया उसको वहां पे। तो अभी रात की घटना है क्या जी, दो टुकड़ा में टूट गया हमको, मतलब उतना अभी, क्योंकि हम रात में न्यूज देखे, सुबह में न्यूज देखने का हमारा फुर्सत कौन सी, सुबेरे से पढ़ाइए रहे हैं, तो रात में देखे थे सीसीटीवी कैमरा दिखा रहा था, इसे उतर रहा था जहाज, अब मारा प्रेशर तो धाम से इसे गिर गया है, इतना तेज गिरा वहां पर। तो प्रेशर का आइडिया रहना जरूरी है। अब प्रेशर कैसे पता चलेगा, अब पटना से कोई पायलट है वो उड़ गया कहां के लिए, दिल्ली के लिए। अब आपको पता है कि प्रेशर जो होगा अगर वो हिमालय के एरिया से सट के चलेगा तो उसके लिए दिक्कत है, क्योंकि हवाएं यहां से टकराएंगी और वापस आएंगी, टकराएंगी वापस आएंगी, ये एरिया से सट के जाना ठीक नहीं है। तो पटना से तो अगर इसको दिल्ली जाना है तो वैसे ही ये दूर होके जा रहा है, ये तो वैसे ही नहीं सटने जा रहा है उससे, ऐसे निकल जाएगा। लेकिन यहां देखिए, अगर कोई म्यांमार के मांडले से उतर उड़ा और वो ऐसे चल दिया तो दिल्ली के लिए, ये भैया ये तो दिक्कत है इसके लिए, है कि नहीं। यहां पर अब जैसे अरुणाचल प्रदेश से चला फ्लाइट, उड़ी असम से, तो सीधा तो असम से ये वाला रास्ता ठीक है, समझा गया। लेकिन देखिएगा असम से भी जहाज जाएगी ना तो पटना और मुजफ्फरपुर होके जाएगी, ऐसे ऐसे जाएगी यहां, समझा गया कि नहीं आ गया। रीजन क्यों है, उसको प्रेशर को क्या करना है, मेंटेन करके हवाओं को। तो हमें जहाज में कोई रास्ता दिखाने वाला चाहिए, वहां कोई है नहीं कि रोक के पूछेंगे चाचा कितने प्रेशर ज्यादा। अब आपके पास एक मैप है और उससे पहले, उस मैप से पहले वहां पहले कोई एक जहाज भेजना होगा जिसमें सवारी न बैठे बल्कि उसमें केवल मशीन लगाया गया हो जो इस बात को नापे कि कहां प्रेशर कम और कहां प्रेशर ज्यादा। अब जहाज की अपनी कैपेसिटी होती है कि कितने प्रेशर को झेल लेता है, सपोज कि वह 980 प्रेशर, हजार प्रेशर को झेल सकता है, सपोज कि वह 1000 मिली बार प्रेशर को झेल सकता है, जहाज का स्ट्रक्चर ऐसा है। तो हम पायलट को वही नक्शा देंगे जहां हजार से कम प्रेशर हो, तो उसको हम एक ऐसा नक्शा दे देंगे, दो भैया तुम्हारा ये पटना से मुंबई दिल्ली का रास्ता है और यहां से यहां तक का जो प्रेशर लाइन है, ये प्रेशर लाइन है, ये प्रेशर लाइन है 980 मिली बार का। अब पायलट को पता है कि कितना प्रेशर है 900, अब यहां एक पॉइंट बना के लिख देगा 1200 मिली बार, यानी अब पायलट को समझ में आ गया कि बाबू इसी रेखा को फॉलो करो। अगर बाय द वे रास्ता आगे पीछे भी करना पड़े ट्रैफिक की वजह से, कभी कभी जहाजे आगे पीछे हो जाए ट्रैफिक, तो इधर जाने से अवॉइड करो, इस साइड आने के लिए करो। लेकिन हम ये कैसे मान लें कि इधर 1200 है तो इधर उससे ज्यादा होगा या कम होगा, तो यहां भी किसी एक पॉइंट का वहां प्रेशर लिखा होगा, मान के चलिए यहां लिखा 800, तो इसका मतलब इधर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो घटेगा। तो बताओ बाबू लाइव वाले सब लोग, पायलट किस लाइन को फॉलो करेगा, ब्लू लाइन। नाम क्या इस लाइन का, 980, 980 नंबर लाइन को क्या करेगा, फॉलो करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, इसके अपर साइड जाएगा कि नीचे वाली साइड में, इन केस अगर इमरजेंसी में जाना हो तो किधर जाएगा, नीचे वाली उस साइड में नहीं जाएगा। अब इस रेखा का कोई ना कोई नाम होगा, तो वह रेखा जो दबाव बताती है, वह रेखा जो दाब को बताती है, उसे हम आइसो बार लाइन कहते हैं। आइसो का मतलब होता है एक जैसा, अब बार का मतलब होता है दबाव, इस लाइन पर एक जैसा दबाव फील होगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़े, नहीं समझ में आया, कौन सी लाइन। तो जहाज में जो पायलट को नक्शा दिया जाता होगा, खाली भारत का नक्शा बना के दे देगा, उस पर पूरे भारत में कहां दबाव कितना है वो पूरा प्रेशर लाइन उसके पास होता है, उसी को पैटर्न फॉलो करके जाता है। जहां इधर उधर करेगा ना टर्बुलेंस होगा। एक बार हुआ क्या था, एक फ्लाइट मुंबई से न्यूजीलैंड के लिए उड़ी थी और इंडियन ओशियन को पार कर रही थी, अब यहां से न्यूजीलैंड जाएगी, इंडियन ओशियन में एक आइसो बार लाइन था जिसे अवॉइड करना था, और इन केस अगर आपको लेफ्ट और राइट, जैसे यहां जाना है तो इन केस अगर आपको लेफ्ट राइट मुड़ना है तो किधर मुड़ेंगे, लेफ्ट कि ऊपर की ओर मुड़ेंगे, तो रिस्ट्रिक्टेड। तो पायलट ने क्या किया, उसने देखा कि भाई जिस आइसो बार लाइन पे हम जा रहे हैं इसके राइट साइड में जो प्रेशर है वो भी जहाज झेल लेगा, लेकिन ब्रेटर होना चाहिए लेफ्ट साइड में। लेकिन पायलट एक्सपीरियंस, राइट मोड़ दिया वहां पे,
कोई दिक्कत नहीं हुआ, जहाज का स्ट्रक्चर ठीक था, झेल लिया, लेकिन टर्बुलेंस ज्यादा हुआ। अब टर्बुलेंस जब ज्यादा हुआ तो DGCA डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन वो सारे जहाजों का रिकॉर्ड रखता है कि कितना तगड़ा प्रेशर आया था इस पे। अब वो पायलट पे इंक्वायरी लगा दिया कि इतना तगड़ा तुम प्रेशर वाले एरिया में घुसा क्यों, और पायलट को 2 महीना के लिए सस्पेंड कर दिया कि 2 महीना तक आप जहाज नहीं उड़ाएंगे। समस्या ये है ना कि 2 महीना बाद अगर वो जहाज उड़ाने जाएगा ना तो फिर एग्जाम देना पड़ेगा उसको। हाँ यही पड़ेगा, हर 3-4 महीने पे पायलट का एग्जाम होता है दोबारा। आप सोचिए कितने लोगों की जिंदगी लेके जा रहा है वो, हम हर 3-4 महीने पे पायलट का क्या होता है एग्जाम होता है। जहां अगर आपको सस्पेंड किया गया या ग्राउंड किया गया तो फिर आने से पहले आपको क्या करना भाई एग्जाम। बहुत सारी लेडीज पायलट होती हैं और महिलाओं ने इस मामले में ना पुरुषों का पीछे छोड़ रखा है यहाँ पे एविएशन के मामले में। पटना पूरा महिलाओं ने संभाल रखा था वहां पर, तो एविएशन सेक्टर है उसमें महिलाओं ने किसको छोड़ रखा है, पुरुषों के पीछे। अब महिलाओं को जिम्मेदारी ज्यादा, फैमिली भी है, तो कुछ महिलाएं जब गर्भवती होती हैं तो एक मान के चलिए लास्ट के 3-4 मंथ में वो फ्लाइंग उड़ाने के लिए ठीक नहीं होती, तो वो मैटरनिटी लीव ले लेती हैं। जब उनका बच्चा बड़ा हो जाता है, वापस जब आती हैं तो फिर उनको क्या करना पड़ता है, एग्जाम देना, फिर फ्लाइंग सिमुलेटर पर ले जाया जाता है और वहाँ उनको दिखाया जाता है। वो जहाज की तरह होता है, एक कमरा होता है और नीचे ना उसको स्टैंड पर रखा जाता है। जैसे जहाज को दहीने मोड़ेंगे ना तो कमरों में मुड़ जाएगा, दहीने बाएं ऊपर नीचे, पटक देंगे ना धड़ाम से वो पटका जाएगा यहाँ पे। सेम वो क्या है जहाज, उस पर ले जाके उसको वैलिडिटी चेक किया जाता है उसका, मतलब ठीक है कि नहीं, 6 महीना से छोड़ ले है यहाँ पे। जैसे अब हम लोग को 4-व्हीलर चलाने का आदत छूट गया है तो हम लोग को काटना चाहिए ज्यादा तो थोड़ा सा आगे पीछे भी हो जाता है, लेकिन भैया जमीने पे चल रहे हैं लोग, आगे पीछे भी होगा तो क्या दिक्कत है, वहां तो नीचे आगे पीछे हो गया दिक्कत हो जाएगा।